तो लोग की किसाना की मदद करनी पड़ती। रातन जा तो मेरा गेस्ट हाउस हूँ, बिल्कुल सिंपल ड्रेस में, फॉर्मल ड्रेस में, ट्रैक सूट में, कई बार मारा जो गहना हा वह बेच के बाकी मैं सहायता करी। तो एक नाराज की तो घरका की तरफ चाल रही ही, और वो आदमी है देश ने एक सही दिशा में ले जा सके, मतलब बिन वो तरीको पतो वो रास्तों पतो है तो ते गुंडा हो, मवाली हो, बलात्कारी हो, जो कुछ भी हो ते अच्छा हो। यदि मारे विपक्ष में होते तो ते देश के लिए चाहे 100 बार जान दे दी हो, वो बड़ो मुद्दों तो है ही, अब यूं 100 गुणों बड़ो मुद्दो सुनोते। सगला भाई राम राम मऊ थारो देसी पत्रकार रवि, खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों खबरलोक चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, और कहने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों एक चर्चित चेहरो आपने झुंझुनू को जो शुरुआत करी एक आंदोलन नू, हालांकि बहु पहली भी आपा बन जाना हाँ जब वह सौर्य चक्कर जीत के झुंझुनू पहुंचा हो और झुंझुनू को गौरव बढ़ाए हो, और भी के बाद में एक अचानक मूवमेंट की शुरुआत करी गई कि जो स्टूडेंट ही रीट की एग्जाम दी ही बाके साथ में जो चीटिंग करी गई, जो पेपर लीक कराया गया बा पेपरान रद्द कराया जाए, बिकले एक बहुत बड़ो मूवमेंट बाके द्वारा करो गयो। पिछला कुछ दिनों आप देख रहे हैं कि लगातार जदों किसान आंदोलन वह जुड़िया, बिके बाद में अभी जो पहलवानों को मूवमेंट चल रहा है, बिकमैन भी लगातार बाकी प्रतिक्रिया आ रही हैं, और जिस तरीकों पहलवान हैं कि अलग अलग तरीकों पर आपको जो आंदोलन कर रहे हैं, अठा तक की भी जो मेडल में जीते हा बन गंगम प्रवाहित करण की भी बात बांके द्वारा बोली गई, और बात ही नहीं दोस्तों गंगा तट पर पहुंच के प्रवाहित भी किया जा रहा है, लेकिन समाज का कुछ लोग बांगन पहुंचे हैं और बांके द्वारा वापस वह मेडलों की जिम्मेदारी ली जाए और चंद दिनों को बन समय दियो जाए। आज दोस्तों मैं विकास जी जाखड़ दोबारा थान बहु रूबरू करवाने वालों हूँ, और बात ही जो आंदोलन लेके अभी तक बहुत सी हैं कि जो घटना घटित हुई कुछ वीडियो ही बाका आपा भी जो डाला और बंक ऊपर जो थारी प्रतिक्रिया ही हर कोई जानना चाहो कि आखिर यहाँ को क्यों हुए विकास जी हूँ कि बने बाकी जो संपत्ति भी हूँ बेदखल कर दिया गया, अभी तक वह युवा के लिए और के बंका प्रयास कर रहे हैं, आगे की बाकी की रणनीति है। अभी फिलहाल मेरे साथ विकास जी ही, मैं जानकारी ले सूँ विभिन्न मुद्दा पर बने रहो, ये वीडियो लास्ट तक देखा गया तो बिकमान पूरी जानकारी है जो थान मिल जैसी। सर नमस्कार। नमस्कार रवि जी, तारे दर्शकन भी राम राम जी। सर स्वास्थ्य कहको के है अभी, क्योंकि काफ़ी लंबो जो एक मूवमेंट हो, और भी के बाद में सब बड़ी चीज़ देखी जाए कि अनशनकरण के बाद में रिकवर होनो, हालांकि रिकवर हो जाए भी के बाद में भी स्वास्थ्य में बहुत बार जो गिरावट देखी जाए ही ना। बिल्कुल तारी दुआओं बिल्कुल स्वस्थ हैं, और मान कमांडो की ट्रेनिंग में यह चीज़ फिजिकली और मेंटली जो है फिटनेस है या कूट कूट की बढ़ दी जाए है। और मैं बहुत बार भूखा कर कई बार पाँच पाँच दिन भूखा रेड़ा, चार चार दिन भूखा रेड़ा, तो माखले कोई बड़ी चीज़ को नहीं है। बिल्कुल सर, अभी मैं सौ पहली अठावी शुरुआत करना चाहूँगा कि एक जो मूवमेंट ही टाइम जिस तरीके किसान आंदोलन आप देखे हो, और जित जो एक वीडियो में थारो देख रहे हो कि भी दौरान थे किसाना की भी मदद थारा द्वारा करी गई ही, किसान आंदोलन में थारी ड्यूटी बढ़े ही जी दौरान, और अब एक जो मूवमेंट चल रहा है जो ओलंपिक मेडल जीत के लड़ा ही, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने देश की छवि बनाई, आज वे पहलवान ही जो एक व्यक्ति का, एक सांसद का और एक नेता के खिलाफ में कुछ आरोप लगा के कर रहे हैं कि बाकी गिरफ्तारी करी जाए, की तरीका हुई मूवमेंट ने देखो, लगातार थारी प्रतिक्रिया आ रही है पर मैं के विचार के ऊपर रखो। बिल्कुल सरकार, केंद्र सरकार किसान आंदोलनों ही मतलब डेलिब्रेटली किसानों के पीछे पड़ी है। किसान आंदोलन भी एक तरीके से किसानों ने फिर से गुलाम बनाने को एक कानून हो, कालो कानून हो। बम में और टाइम में मेरी जयपुर में पोस्टिंग है, और मन में यही है कि भाई किसाना का नहीं हाथ भी कौन बानो, हर तेरी यह भी कौन बोलने अपन किसाना का नहीं। जवान सागा इवन जो मारा जब मैं बैठे टिकरी बॉर्डर पर डिप्लॉय है, मैं एज ए कंपनी कमांडर बैठे डिप्लॉय हो, तो आईबी का लोग माकन आया करता या पूछता और भी कंपनी है कि तारी कंपनी में जो किसान बैकग्राउंड का कता जवान ही और ही, तो यह पता चल रहा है कि सरकार जो है एक सर्वे कर रही है, एक फीडबैक ले रही है, या कि भाई आप किसानों के ऊपर कार्रवाई करा तो भी को इम्पैक्ट क्या होगा, भी को रिएक्शन क्या होगा जी। तो यो एक झूठो दावा है कि लोग यहाँ कहें कि केंद्र सरकार किसानों पर कार्रवाई कौन करी, किसानों के प्रति संवेदनशीलता ही। मेरा यो मानना है कि केंद्र सरकार ने यो डर हो यदि किसानों पर कार्रवाई करेगी फोर्स के द्वारा, तो ये सरकार ने उखाड़ फेंकेंगा जहाँ सरकार कार्रवाई को नहीं करी। यदि सरकार अति संवेदनशील किसानों पर होती तो 600-700 जवान किसान बैठा शहीद को नहीं होता, और शहीद होया
तो सरकार बन मुआवजा देती, एक शब्द बोलती, बाकी संवेदना के लिए कुछ वो सरकार को नहीं करे। वो किसान आंदोलन चालो लगभग मैं 7 महीना बैठा डिप्लोरी हो और जितनी मेरू किसान के प्रति हेल्प होती, क्योंकि जिस टाइम में मीडिया में और सरकार के द्वारा बार बार यही चलाई जा रही कि देशद्रोही हैं या आतंकवादी हैं, तो लुक लुक की किसान की मदद करनी पड़ती। रातन जातो मेरे गेस्ट हाउस हूँ, बिल्कुल सिंपल ड्रेस में, फॉर्मल ड्रेस में, ट्रैक सूट में, कई बार बाकी टेंटा में जाते तो भगत सिंह की फ़ोटो लाग रही हैं, रागनी चल रही हैं भगत सिंह की। उन्हें करगिल वार भी पलियाँ जो 71 की वार हुई पाकिस्तान का सागर, बम कोई को हाथ गड़ो है, कोई को पग गड़ो है, जवान भी बैठा किसान आंदोलन में आएड़ा। तो यो बिल्कुल एक झूठ हो कि भाई किसान आंदोलन है जो कोई देशद्रोही कोई एलिमेंट है, बाकी द्वारा प्रायोजित हो। बम जती सहायता हुई करी, बम मैंने 8.5 लाख रुपया शौर्य चक्र मिला, शौर्य चक्र पर राजस्थान सरकारों एक रिवार्ड मनी मिली है, बम में बैठे लगा दी। बी के अलावा पहले हम गोल्ड जो है वो किसाना के लिए वो गोल्ड है जो को मैं मारो जो गहना हा वह बेच के बाकी मैं सहायता करी। तो एक नाराज की तो घरका की तरफ चल रही ही। बीका पाछा यो तार पहलवान आड़ा हो तो पहले दिनों मैं तो एक साथ में हूँ, मैं कैंडल मार्च काटा, बीकानेर में काटा, झूनम काटा और लगातार आवाज़ उठा रहा हैं कि भाई एक अहें को आदमी गुंडो प्रवृत्ति को आदमी है जिसके खिलाफ 40 केस हो रहे हैं, पूरी दुनिया में पता है, एसपी के कनपट्टी पर बंदूक ताण दे है, गुंडो एक्ट, गैंगस्टर्स एक्ट, आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हैं, कह खुद कह रहे हो कि मैं सरेआम कोई ना जानू मारियो है, आपने खिलाड़ियों धमकी दे रहे हो कि बाबू कैरियर बिगाड़ो और बाबू कैरियर बनाना मेरा हाथ में है। अभी को पर यह गंभीर आरोप हैं कि भी सैकड़ा महिला का सागर जकम नाबालिग भी ही बाकी सागर यौन शोषण करो है, तो सरकार ने तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए, जांच सरकार करती बाद में जो सामना आता, क्योंकि मैंने खुलो सांड के नहीं छोड़ रहा क्या है, पुलिस कहीं जांच कर सका है, सुप्रीम कोर्ट का दखल के बाद में तो पुलिस जो है वो FIR दर्ज करा है, तो पूरी तरीके से एक राजनीतिक जो है बिना एक शह दी जा रही है, जो देश का जो मुखिया हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वह एक चुटकी में बिना आपके पदों उठा सके हैं, बाकी इशारा पर गिरफ्तारी हो सका है, पर एक डर है, एक दहशत है कि भी को प्रभाव भी एरिया में तो ज़्यादा है कि यदि बिन हटा दियो जागो तो भी एरिया में बने राजनीतिक नुकसान हो सके। बिल्कुल सर, जे देखो जाए कि अभी एक आम आदमी की अगर आप बात करें या फिर जब भी आप पढ़ाई करें कि ये जनतंत्र लोकतंत्र की जब बात आओ, लोकतंत्र की परिभाषा यही है कि जनता के द्वारा चुनेड़ो जनता के लिए काम करेगो, लेकिन आज एक नेता के लिए इस तरीका जो देख रहे हैं कि जो पहलवान ही जो गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं, आपका मेडल प्रवाहित करने के लिए और अठा तक कि वह खुद की जान देने के लिए भी तैयार हैं कि इस मोमेंट के लिए और बांको पर अता सवाल खड़ा कर जा रहे हैं थे कि तरीका देखो इनकी के अभी जो लोग सवाल उठाए हैं और ये जो प्रोपेगेंडा इन्हें बताया जा रहा है कि ये तो एक प्रोपोगेंडा है, ये चाहूँ कि मैं एक छत्र राज करा, हाँ ये करा, लेकिन जिस दिन वह मेडल जीत के ले रहा जिस दिन तो हर कोई बाकी वाई वाई कर रहे हो। बिल्कुल, ये लोगों को कोई दोष कुन्या है जो को आए कि IT सेल ही या मीडिया के द्वारा ये प्रोपोगेंडा फैला हुए हैं, जिस दिन मेडल लेके आया अपना जो खिलाड़ी है जगह दिन बना तो कोई क्षेत्र का है ना कोई जाति का है, आज जब ये अनशन न्याय के लिए जब धरनो दियो जंतर मंत्र पर जगह दिन जातियों को नाम जोड़ दियो गयो, एक क्षेत्र को नाम जोड़ दियो गयो, पूरे देश आपको साथ दे रहे हो, तो सरकार भी चीजों डर की कि पूरा देश सागर न खड़े हो जा तो इन्हें एक जातिगत रूप देकर इन डाइवर्ट कर दियो। सरकार को शुरू से देखो केंद्र सरकार को कह रही हो एक लाइन खींच दिया, आज के दिन की पॉलिटिक्स होगी कि एक लाइन खींच दी कि या तो मैं हमारा पक्ष में होते या हमारा विपक्ष में हो, यदि ते हमारे पक्ष में हो तो ते गुंडा हो, मवाली हो, बलात्कारी हो, जो कुछ भी हो ते अच्छा हो, यदि हमारे विपक्ष में होते तो ते देश के लिए चाहे 100 बार जान दे दी हो, कती बार देश को जो परचम है जो तिरंगो है वो दुनिया में लहराए हो, कोई फर्क कौन पड़े, किसानन कुचल की मारा है जो है गाड़ी के नीचे कीड़ा मकोड़ा के नहीं रोंद की मारा, वो टेनी जो को है वो आज मिनिस्टर है जी और यो ब्रजभूषण को तो देख रहा हो, तो रवैयो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी सीरियस है। बिल्कुल सर, अभी मैं ये बात करूं जो थारो जो मूवमेंट थे करो गयो हो जी टाइम अगर रीट के लिए आप एक आंदोलन थारे द्वारा करो गयो हो,
भी दौरान भी कि का दौर थान देखने ना मिला है क्योंकि एक मोमेंट जो तो बड़ो अनसन पर और जी टाइम भी है कि आज कांग्रेस की सरकार है बैठाऊँ भी थार पर भी कुछ दबाव बनाए गए होगो अठाऊँ झुंझुनू थाने पहले गांव में थे शुरुआत करी गांव झुंझुनू लेके आया गया झुंझुनू फिर जयपुर ले जाया गया तो सरकार चाहे कि भाई कोई भी मूवमेंट अगर हो रही तो बिन की तरीका खत्म करे तो वो मैं चाहूँ कि सरकार आज भी यही चाहती होगी क्योंकि जंतर मंत्र पर जब पहलवान बैठा तो आज बंक जो टेंट वगैरह है बंक गद्दा वगैरह जो भी बंको सामान हो पुराने जो उखाड़ लियो जाहिर कि अब जंतर मंत्र पर कौन बैठ सके और आगामी भाई यह चीज़ बोली कि भाई मैं इंडिया गेट पर मारो अनशन कराँगा तो बिकलेबा ने बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया कि अभी थे बैठे भी जाके प्रतिबंध कर दिया कि बैठे भी थारो कोई मूवमेंट है कौन कर सके क्योंकि वो एक नेशनल स्मारक है। देखो सरकारें तो आंदोलन को कुचलने की कोशिश करती है ना, ये तो सरकार का एक नेचर है, पर जो आंदोलन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़नी चाहिए। यदि वो सच के साथ में है तो सरकार को झुकना ही पड़ता है। किसान आंदोलन में सरकार झुकी और इसमें भी सरकार को झुकना पड़ेगा। बिल्कुल सर, अभी मैं थोड़ा सा ये चीज़ पर जानना चाहूँगा कि थारे द्वारा कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी करे हुए बिक मैंने यह चीज़ बताई गई कि भाई मेरे पिताजी है जो मन मेरी संपत्तियों बेदखल कर दिए हुए शौर्य चक्कर थे जीते हुए युवाओं के लिए जो लड़ाई लड़ी बिक बाद में को के दौर आयो कि जो थारी संपत्ति ही भी थान बेदखल कराया गया एक बेटी है जो थारी बिक ऊपर भी कुछ जो बताया गया बकले भी थे कुछ बोलो है तो मैं चाहूँगी के यहाँ को के हो कि परिवार थान अलग करने का प्रयास कराया गया। देखो ते बेटे वाले जो बात कही है बहुत पर्सनल मैटर है, मैं पर बात उन करना चाहूँ। बहुत सारा भ्रम कई लोग विरोधी मान लो चाहे ते है ना सामाजिक तत्व मान लो बहुत ही बुरे किस्म की अफवाह फैला दी या बिल्कुल गिरे बिल्कुल निचले स्तर की बात की और परिवार पर लांछन लगाया गया बा पर कोई न कोई आरोप लगाया गया तो बात चीज़ों में थोड़ा सा मन लगे कि मन भी को खंडन करना चाहिए जो सच है वो सामने आना चाहिए। मन भी चीज़ों कोई परेशानी को नहीं मैं कि मन दे बेदखल कर दियो संपत्तियों भी को दुख है भी वजह से मैं बात कही हुआ है एक भ्रम दूर हो जा कि लोग कोई कुछ बात कर रहे हो कोई कुछ बात कर रहे हो तो एक जो परिस्थिति ही है जो स्थिति है जो सच है वो क्रिस्टल क्लियर हो जा इसलिए वह बात मैं कही ही रही। बात मेरो देखो नेचर शुरू से ही कह के थोड़ा सा विद्रोही टाइप को रही है मतलब क्रांतिकारी विद्रोही टाइप को नेचर ही है तो विद्रोही टाइप का नेचर में देखो घर का तो समस्या आवेगी कोई भी बाप कौन चाहे कि वो देखो बेटा को करियर खराब हो है अब तो जो कुछ मैं जिंदगी में अचीव करियो मेरे माता पिता का आशीर्वाद हूँ और मेरी मेहनत तो अचीव करियो एक ऑफिसर रैंक की मेरी जॉब ही और शानदार करियर मतलब एक छोटी सी छोटे से करियर पीरियड में मैं बहुत कुछ अचीव कर लियो। मैं किसान आंदोलन में भी जो करियो बम भी हमेशा ये खतरों बने रही हो कि भाई कठे कुछ है कर तो मिल गो किसान की सहायता कर तो मिल गो जना तो जो हाँ दिक्कत आ सका है और भी पहले मैं जब मेरा इंटरव्यू हो असिस्टेंट कमांडेंट को यूपीएससी में भी हूँ मैं कोई 5-7 दिन 10 दिन पहले घराया जिद करी कि मैं अन्ना हजारे को आंदोलन चाल रहे टाइम में अगस्त 2011 में तो मैं वो आंदोलन अटेंड करूँगा तो घर का नहीं ऑर्डर हो कि बड़े भाई अन्ना हजारे खुद पुलिस पकड़ रखे हो तिहाड़ जेल में दे रखे हो और हो जागो ना पकड़ लेगी पुलिस पकड़ लेगी केस हो जागो अति अच्छी नौकरी है बिल्कुल इंटरव्यू है खूब मना करो खूब मनाने की कोशिश करी पर मेरे पास चीज़ को नहीं समझ में आई लेके तिरंगों में निकल गो तो यह चीज़ शुरू से ही। अब जब यो आंदोलन शुरू करियो जना मैं पहले तो वेट करियो मैं कोई ना कोई आदमी आके ये जो कई नेता हा पॉलिटिकल लीडर भी हा या कई स्टूडेंट लीडर भी हा प्रयास कर रहे आपके स्तर पर पर बस सफल नहीं हुआ यार मेरा सूत्र हूँ ये पता चलो कि बहुत बुरी तरीके से पेपर आउट होया मतलब यार मंडिया में भी क्या पेपर तो न्यूज़ वगैरह सुनी और 3-4 दिन पहले आउट होगा आप फोटो स्टेट मशीन में काट काट के पर्चा बांटा जब मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़े रहूँ मेरी स्कूलिंग स्टार्ट भी सरकारी स्कूल में रेडी है बीच में प्राइवेट स्कूल में पढ़े और 12वीं 12वीं में पास आउट भी सरकारी स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल जूनू मल्टीपर्पजू में पास आउट रह रहा जी तो मन में यह है कि सरकारी स्कूल में कौन पढ़ रहे हैं किसान को टाबर मजदूर को टाबर जगह की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं हुआ है वो ही पढ़े अः बेईमान आदमी जाएगा जगह नकल करके या पेपर चुरा के जाएगा जगह अयोग्य तो ही हूँ और साथ में भ्रष्टाचारी भी बढ़ेगा बक्के नहीं हाल कर देंगे पूरे जो एजुकेशन सिस्टम ने तबाह कर देंगे तो वो दर्द हो भी दर्द के चलते मैं वो शुरू करी और भी मैं एक स्तर पर सफलता भी हासिल करी तो बिकले अब जॉब छोड़ना आवश्यक हो क्योंकि थे कोई आंदोलन सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओ हो जो कोड ऑफ कंडक्ट है
वो तन मना करे कि तेरे काम कौन कर सको, जॉब में तन रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। महामहिम राष्ट्रपति के नाम में मेरा इस्तीफा लिखो और मैं आंदोलन में कूद पड़ो। बिल्कुल ये चीज़ ही सर, जिस तरीके में देखो जा रहे हो है कि जब सरकार जब बात करी जा रही है कि सचिन पायलट जी भी लगातार ये एक ऊपर मांग उठाई कि जो आरपीएससी अभी भंग करी जाए और एक नई संस्था को निर्माण करो जाए, जो पेपर लीक में जो बच्चा का नुकसान हुए वह बच्चा ने कुछ मुआवजा दियो जाए, और जो एक वो तो चलो बंक मुद्दे है पूर्व सरकार की वसुंधरा पर जो हो, लेकिन ये जो दो मुद्दा उठाया और बिकले एक अतो बड़ो आंदोलन बाके द्वारा करी गई, पदयात्रा निकाली गई, अनशन पर बैठा, और फिर भी के बाद में यह भी हो कि अब तो पूरा राजस्थान में बहुत बड़ी क्रांति करेंगे अब, और पिछला कुछ दिनों आप एक चीज़ देख रहे हैं कि अब वह दोबारा जो गहलोत जी के साकेबा की फोटो आ रही है कि भाई दोनों में सुलह होगी और आगामी जो चुनाव लड़े जागो वो दोनों साथ में मिलकर लड़ेंगे, किस तरीके में देखो कि सिर्फ जनप्रतिनिधि या फिर जो नेता चुने गए हैं वह सिर्फ खुद का स्वार्थ ही बात की सीमित ही, जनता को बिग मैन के लाभ है कठी के नफो नुकसान है बस सिर्फ एक जुमला पर मान के चला कि सिर्फ जुमला पर ही चले हैं। देखो मैं आका जो पार्टी में जो खींचातान चल रही है अब पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, पर मैं एक बात यह कहूँगा कि सचिन जी को तो प्रभाव है पार्टी में भी आ चीज़ पर, दो तीन साल पहले करता जना युवा ने बहुत जो नुकसान हो अभी बच्चों जा सको हो, और जो मुद्दा पर दो मुद्दा उठाए हैं मुद्दा वाजिब ही होना चाहिए। एक मने लगा कि मुआवजा है मिलना चाहिए पर वो प्रैक्टिकल क्या है वो समझ में को नहीं आ रहा, वो तो समझने की कोशिश करूँगा मैं, पर सो बड़ो सवाल यो है कि आप 5 साल में जो युवा ने नुकसान हुआ है जता कोई की उम्र निकल गई या 5 साल कोई इंसान की जिंदगी में समय में ज़्यादा कीमती कुछ ही को नहीं आया, वो जवानी को जो पीरियड हुआ ना वो सो ज़्यादा कीमती हुआ, पैसा तो कमा लेगा पर वो वक्त कठूँ जाऊँगा उल्टा जो 5 साल बर्बाद होगा, वो जो हज़ारा की संख्या में जो बेईमान आदमी सिस्टम में चला गया बस 30 साल तक 35 साल तक नौकरी करेंगा, आपने टैक्स का पैसा बांध मोटी मोटी सैलरी मिलेगी, रिटायरमेंट के पाछे पेंशन लेगा और खूब भ्रष्टाचार करेंगा आपनों पैसा मांगने में, इको क्यों उपाय है कोई सिस्टम है इनको है कि बान ओटा निकाला जा सके। तो मेरा तो ये है कि एक बहुत ही गहन जांच करी जानी चाहिए, कोई रिटायर हाई कोर्ट को जगह रिटायर चीफ जस्टिस ही बाकी देख रेख में एक जांच होनी चाहिए, जब तक पेपर आउट होया ही और कौन कौन भी सिस्टम में घुसया ही गहनता जांच होनी चाहिए जब आ युवा ने सही मायने में न्याय मिलेगा। विकास जी भी बहुत सा युवा हैं जो नाराज हैं क्योंकि बाकी द्वारा मूवमेंट करे गए अभी के बाद में पेपर रद्द कर दिए गए, और वह युवा इसलिए नाराज हैं कि अगर वह आंदोलन नहीं करता तो शायद वो पेपर रद्द को नहीं होता और वह बच्चा को सिलेक्शन हो जाता, बाकी मैं क्या बोलना चाहूँगा। नहीं देखो बहुत तो मैं दुख है पेपर जगह मैंने तू सिलेक्ट होया है और पेपर रद्द होने की वजह से बाको मौको चले गए, पर मैं तो विश्वास है कि बस डिजर्व अति बेईमानी के अंदर भी यदि बस सिलेक्ट हो ना तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, अब और वो एग्जाम रेट को रिजल्ट आ रहा है लेवल वन को आगे और भी आगा अस्सी बट टॉप करेंगे। दूसरा यो है कि आइया है कि मतलब कोई एक दो की संख्या हुआ ना कि भाई मानियो जो लाग बम तो हज़ारा की संख्या में लाग गया, तो मोटे तौर पर देखा जाए तो पूरे सिस्टम ने पूरे राज्य ने पूरे देश ने नुकसान हो रहा है। शिक्षा क्या है? शिक्षा देश को आधार है जी, है ना, शिक्षा ही तबाह हो जाएगी जना पाछे के बच गो आपने कुछ है ही को नहीं, आप आगे बढ़ने का सपना देखा है दुनिया में भारत नंबर एक देश बनने की बात करे है तो के माध्यम है सब बड़ो माध्यम तो शिक्षा ही है, गरीब टाबर है देखिए आर्थिक भी परिवार गरीब माँ बाप का परिवार की स्थिति कद सुधर सके, या तो चोरी चकारी करें या भी को बच्चों पढ़ लिख के एक अच्छो नागरिक बने एक अच्छी जॉब मिले या गठे भी अच्छे सेटल हो जाए वो बिल्कुल, तो वो पढ़ाई के माध्यम संभव है, तो इसलिए मैंने ये आंदोलन करना जरूरी हो। फिर भी यदि कोई मेरे भाई कोई भाण यदि बन यहाँ लगे कि मेरी वजह से बन नुकसान हुआ है तो मैं हाथ जोड़ के बाहू माफ़ी मांगू हूँ। बिल्कुल क्योंकि मैं जब वीडियो का डलर बल लोग तरीका हूँ बाकी कमेंट भी है कि भैया की वजह जो पेपर रद्द कर दिए मगर नुकसान हो सर। एक और मैं मूवमेंट जो अपने इंडिया के मान चालू मैं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी के बारे में जानकर बातचीत करना चाहूँगा, थे भी CRPF जुड़ेड़ा हो और जो पुलवामा अटैक हो बिम भी CRPF का जवान है और भी दौरान वो मोमेंट भी काफ़ी चालू की सरकार के खिलाफ बोले गए हो, फिर जो CBI की जांच भी बन बुलाया गया और ये सब चीज़ें की तरीका देखो हो कि जो जुड़ेड़ा रिया हो थे सेनाओं भी जुड़ेड़ा रिया हो तो की तरीके को सिस्टम हुआ है अभी पर के विचार थे रखो हो। तो मैं मेरा अनुभव बताऊँ
2014 में मैं कुपवाड़ा पोस्टिंग है मेरी, तो मई में जस्ट मैं मेरी पहली पोस्टिंग ही टर्निंग के पाछे मैं ज्वाइनिंग करी ही और महीने भर के अंदर ही मैंने सी ओ साहब बोला कि तने कानवाई कमांडर बनना है, मतलब कश्मीर हूँ श्रीनगर हूँ जम्मू और जम्मू श्रीनगर कानवाई चलती, कानवाई यानी काफिलो हाँ। और भी को मैं हो जे टाइम में असिस्टेंट कमांडेंट ही कानवाई कमांडर हो तो कानवाई ट्वाइस ही हो तो इंस्पेक्टर जी, तो कानवाई कमांडर हो तो वो काफिलो में सब पीछे चलते पूरा काफिलो भी का आगे चलते जी, वो यहाँ घेर के लिए चलते मतलब कंट्रोल पूरा रहे। तो अब जो यो हमलो यो हो 14 फरवरी 2019 में इनमें लगभग 2500 जवान जी और 96 के आसपास गाड़ी, तो ये गाड़ी यदि काफिले में चली है तो कोई कई किलोमीटर की लाइन बन जाए तो चालोगा बटन स्टार्ट होगा जब तो ठीक है, पर 5-7-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर आगे जाओगा गैप होते जाएगा क्योंकि गाड़ी बीच में कई खराब हो जाए कई पंक्चर हो जाए तो काफिलो बहुत बड़ो होना रिस्क ज़्यादा हो। दूसरा यह जवानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, संख्या क्यों ज़्यादा ही क्योंकि एयरलिफ्ट कौन कराया जा रहा, मतलब जो विमान चलना चाहे मैं खुद फर्स्ट बार ज्वाइनिंग करने गयो जना एयर इंडिया का जो एयर कोरियर सर्विस चला करता बाकी अंदर ही माने जम्मू श्रीनगर ले जाया गया, तो जे टाइम चला करता ये टाइम जब यो हादसो यो 4 महीना तक ये जो को एरोप्लेन है बंद था। अब कहो जा रहे हो सत्यपाल जी कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट गई है बार बार रिक्वेस्ट गई है होम मिनिस्ट्री में कि भाई मान विमान दिया जाए विमान दिया जाए, तो विमान क्यों गुन दिया गया वो सवाल तो है, क्यों कारण तो पता चलना चाहिए ना, जांच तो होनी चाहिए कि लापरवाही की भाई कोई भी फोर्स में कोई हादसा हो जाए कोई जवान की कैजुअल्टी हो जाए नुकसान हो जाए तो एक जांच हुआ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुआ है बम हमें यहाँ पता करा कि भाई इन उच्च अधिकारी की कोई गलती ही को नहीं कोई डिसीजन है इनको लियो है या आदेश को इनको दियो है तो भी की जाँच हुआ पर्टिकुलर इनकी जाँच क्यों को नहीं आई भी के पाछे जो कोई वो RDX 350 किलोग्राम RDX एक आतंकवादी CRPF का काफिला बस जो कि चल रही है 40 जवान है भी बस में बिड़ा दे है एक ही सेकेंड में बस का परखच्चा उड़ जाए जी जवान का चिथड़ा चिथड़ा हो जाए बाकी जो पार्थिव शरीर बा घरा हुआ तो ताबूत में शरीर कोई लोथड़ो भी रख की और पा घरा भेज दी अँ कौन पता रहे कौन से जवान को किए है के नहीं कुछ कौन बच्चा सब कुछ मिट्टी मिल जाए कत्तो मतलब हृदय विदारक वो हादसो रुक आप जा मैं जिस टाइम में जयपुर पोस्टिंग है मेरी अब जो पार्थिव 5 जवान जो अपना राजस्थान का शहीद है बाका पार्थिव शरीर हमारी यूनिट होती ओके गया जी जी तो बड़ो वो अब यम कोई शक होना कि भाई जगह आतंकवादी है जो शादी या ही षड्यंत्र हो पाकिस्तान की तरफ से रचो गयो पर जहाँ 26/11 में जाना है कि डेविड हेडली हो आफिस सईद हो लखवी हो आपको नाम मन पत्तो है कि ये मास्टर माइंड आया मुख्य षड्यंत्रकारी है मुख्य सूत्रधार है इम कौन है तानवी कौन पत्तो होगो कोई ना कौन पत्तो ये जांच जनता के सामने तो आनी चाहिए ना सच सामने आना चाहिए ना बाको प्रश्न तो एक भी सच सामने आना चाहिए और लापरवाही जबकि लापरवाही कोई हो ही है ये लापरवाही का दोषी ही जाँच हो कि बात दोषी पर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए सत्यपाल जी को यही तो आरोप है मत बाकी बात तो पूरी समझ कर बिल्कुल एक जो जी तरीकों बता रहे हो कि थे भी कॉन्वे लीड करो है तो वो जो कॉन्वे बैठी के निकला है तो क्या प्रोसेस रहे कि भाई जो लोकल पुलिस है भी इन्फॉर्म करो जा है जो और जो कोई रास्ता भी के बीच में लगे हैं बा सड़कन भी ब्लॉक करी जाए हैं जो कॉन्वे कई जाए बैठा है ना कई आर्मी कॉन्वे भी चल रहा है BSF की कॉन्वे भी चल रहा है कई बार हमारी कॉन्वे में SSP की गाड़ी वगैरह भी बस भी शामिल हो जाए और जो कट ऑफ पार्टी लगे हैं बट रोड आरोपी लागे है आरोपी में हमारी जो है CRPF की बट है टुकड़ी लागे हैं बाको सेट पैटर्न है कि वह जगह रूट मेन रोड वहाँ की जो मिले हैं बा रूटन ब्लॉक करना है और एक पर्टिकुलर दूरी बना की जब नज़र पूरी रहे ऑब्जर्वेशन पूरा रहे बट है संतरी या जवान खड़े रहे जो काफ़ी लोग जटे तक वो काफ़ी लोग पूरा पार ना हो जा जटे तक वह सतर्क रहें तो वह एक SOP है। अच्छा एक चीज़ और की जहाँ हेलीकॉप्टर या फिर आपका कोई भी प्लेन वगैरह जब मांगने की बात करी जा रही है तो के जो मंत्रालय के या जो भेजो जा है फिर भी के बाद में बैठा हूँ परमिशन ली जाए या फिर राज्यपाल खुद बोल रहे हैं कि भाई मैं परमिशन देश को भी कि मैं भी बन देश को हो नहीं राज्यपाल जी से तो मांगा जाता तब देते हो है ना प्रोसीजर तो ये है कि CRPF जो है वो गृह मंत्रालय के अंडर आती है तो CRPF की तरफ से जो रिक्वेस्ट जाएगी वो गृह मंत्रालय को जाएगी
बिल्कुल दोस्तों, मैं लगातार बातचीत कर रहा हूँ। अभी देखा तो विकास जी को आगामी के टारगेट है, जी तरीका हूँ युवा के लिए आंदोलन करो गयो, अभी आने वाला समय पर कोई और यहाँ कोई मूवमेंट जो देखो जाए जो सरकार के खिलाफ में आप देखा। देखो सब पहले तो मैं बताऊँ कि मेरा नेचर बिल्कुल लो प्रोफाइल में रहने वाला उस नेचर है, मीडिया सोशल मीडिया जठ तक संभव दूरी बना के रखूँ। वो एक मूवमेंट चलाए हो भी मूवमेंट में तो मजबूरी सोशल मीडिया पर त्याव ही नहीं कहा तारी बात कहीं पहुँचेगी, पर मैं प्रयास करता रहूँ, बीच बीच में काम करता रहूँ, बस वह जनता के सामने या तो मैं खुद दिखाओ कौन करूँ है ना, इसलिए कौन आऊँ। और यो जो को एक मत अन तार माध्यम से युवा ने संदेश देना चाहूँ कि यो पेपर आउट और सिलसिला में जो टाइम भी कहो कि यो कौन रुको जो टाइम भी जगह तृतीय श्रेणी शिक्षक जगह बस साथ दे रहा पूरा हज़ारा की संख्या में, पर मैं कहो कि ते बंटे मतलब कोई सेकेंड ग्रेड की दे रहे हो, कोई फर्स्ट ग्रेड की दे रहे हो, कोई कॉलेज प्रोफेसर की दे रहे है, कोई दे रहे है पुलिस के दे रहे है, कोई क्या के दे रहे है, सक आउट हुए अपन पत्तो कौन चल रहे, कई बार हो लो आप करा जो मीडिया में आ जाए, मीडिया में आ जाए सरकार प्रेशर में आ जाए। आज गांव में कोई टावर लगा ना तो बिना एक दिन में 100 आदमी का मिलेंगे मिलेंगा जगह खंगा भाया कत्ता पैसा दिया है ना, वो परसेप्शन अँ को नया, वो आपकी मेहनत तो लगा को ना तो भी बेचारो परेशान हो जाए, लोग बूझ बूझ के बिना परेशान कर दें कि तू पैसा दिया है लागे घूस कर, तो अब तो बड़े लेवल को भ्रष्टाचार एक नेक्सस बन गो, मतलब ये एक तरीके को व्यापार हो गो राजस्थान, एक एक ब्यूरोक्रेट्स नेता से मिलकर है ना पूरा जो को है ना सिस्टम ने कोलेप्स कर रखे है, खोखलो कर रखे है जना, ये चीज़ ने पूरी तरीके से ख़त्म करनी है तो युवा ने एकजुट होना पड़ेगा। पॉलिटिशियन के करें चुनाव जो दावों बन जातियाँ में धर्म बांट दी और ये मुद्दों जा गौण जब ये मुद्दे पर वोट ही नहीं दोगा, जब सवाल भी पूछोगा तारा नुमाइंदा ने जब क्यों बटन लेंगे मन पता हो लो मचा कि रुक जैसी रुक जैसी अगली बार मैं करा, हाँ ये बार मैं करा अगली बार मारो कोई भाई करोगे भी अगली बार मैं कर लेंगे ऑटो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों पार्टियों की जो अब 5-5 साल में चेंज हो रही है, आप अंडरस्टैंडिंग है पर्दे के पीछे मिले डाई यानी गंगाधरी शक्तिमान है। अब तो के भी शक्तिमान ना एक्सपोज करने के लिए ना आगामी कोई प्रयास करे जाएगा नहीं, मैं तो अब मेरा तो यो है कि अब यो विचार कर रही हूँ कि गाँव जाके एक रैली काटा और लोगों का नुकसान बताया जाए, उस साथ में और भी कई मुद्दा ने शामिल किया जाए, खासकर शेखावाटी एरिया में एक नहर को मुद्दों बहुत बड़ो मुद्दों है आपनों, जहाँ आप पेपर लीक की बात करा तो कोई टाइम में 15% जगह सरकारी नौकरी ही भी राजस्थान में झूना को अब जो 15% बता रहे हो जी अ न्यूज़ है जी जी, धीरे 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 आज के दिन वो 5% का आसपास भी कोई होगा मेरे ख्याल से गिर तो जेरोग्राफ एक वजह यह भी है कि दूसरा एरिया या दूसरा जो जिला का टापर वो मेहनत कर रहे हैं वो एक रीज़न हो उसका है, पर बड़ो रीज़न क्या है कि पेपर लीक हो रहे हैं, सब बड़ो रीज़न क्या है पेपर लीक हो रहे हैं, तो वो बड़ो मुद्दों तो है ही, अब यूँ 100 गुणों बड़ो मुद्दों सुनोते 100 गुणों बड़ो मुद्दों है नहर को। 5 स्टेट में एग्रीमेंट हुआ है कि झूने में नहर आनी चाहे, साथ में राजगढ़ चूरू का 350 गाँव ने पानी मिलेगा पीण को, और लगभग झूने की जगह भूमि है कि आधी भूमि ने सिंचित पानी में लगो यानी सर खेता में नहर का पानी सिंचाई होगी जी, और बस सिंचाई को फुहारों को नहीं होगी बस दोहरा छोटा करे ना बिल्कुल, जो नहरी सिंचाई है नहरी क्षेत्र है भी, भी हाँ, पैदावार 10 गुना 20 गुना बढ़ जाएगी। मेरा काफ़ी मित्र ही पंजाब में ही और मैं बढ़ जाके देखियो भी है हनुमानगढ़ गंगानगर में भी हैं, बाया कहें कि बैठे 1 बीघा जमीनों पर 1 लाख को प्रोडक्ट ले सको यानी 1 लाख की इनकम एक किसान ने 1 बीघा जमीन हो उसका यदि बैठे नहर है तो, यदि खुद खेती नहीं कर रहा हो तो घर बैठा तन 40-50 हज़ार रुपया जो है जो को खेत बांटम दियो डबो तन घर बैठो दे जाओ, पहले गंगानगर हनुमानगढ़ की स्थिति चूरू भी खराब है बिल्कुल नहरानों पूरी स्थिति बढ़ी, तो मैप में देखो तो पूरा हरे दिखोगे तन और झूनों पूरा सुख सुखो दिखोगे, तो नहर यदि झूनों में आ जाए तो नौकरी 5-10 हज़ार की नौकरी के लिए अपना टावर घटक भटकता हंडे भटकने जरूरत को कई इंडस्ट्री डेवलप हो जाएंगी और जो कि खेती बाड़ियों या अपने एग्रीकल्चर संबंधित थी कई फैक्ट्री लगेंगे, ट्रांसपोर्ट को बिजनेस बढ़ जाएगा और एक इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी फ्यूचर के लिए और यह सैकड़ा साल तक चलती जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो आजकल आप पानी पिवाए कतो फ्लोराइड कतो नुकसान हो आप तो पानी को जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ेगा और आपने स्वास्थ्य भी सुधरेगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नहर अपन फायदों में इसका, तो इस पर भी एक मुहिम में छड़ांगा जो है ये मुद्दा के साथ वो भी मुद्दों उठाऊंगा क्योंकि यो मुद्दों ऐ को है कि यो एक गांव की इकोनॉमी ना अरबा तक ले जाएगा, जब आज लाखाम नहीं है बा अरबा तक चली जाएगी, और यह चीज़ मैं तो नहीं बताना चाहूँ
कि केंद्र में कोई सरकार बने, राज्य में कोई सरकार बने, कोई प्रधानमंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, पूरा तो कोई फायदा डायरेक्टली तो हो रहे को ना, अग्निवीर के चक्कर में नुकसान होगो, भाई फौजी जो का आपना एक आधार होया करतो वो खत्म क्यों जा रहे हो है, पेपर आपना टाबर पर लागया करता, पेपर लीक हो रहे हैं, दूसरों नहर आ रही को ना, तो बहुत ज़्यादा नुकसान ई एरियन हो रहा है नहर का। आनस है कोई भी जाति को, कोई धर्म को, कोई भी पार्टी ने वोट देनी हो चाहे कोई भी पार्टी ने वोट दो, फायदो सन मिलेगा, सो बड़ो मुद्दा फायदो सन मिलेगो, वोट न देगो जकम भी फायदो मिलेगो। बिल्कुल दोस्तों, अभी नेक्स्ट जो मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी नहर ने लेके जो आंदोलन की बात करी जा रही है कि भी मूवमेंट ने और तेज करो जाएगा, हालांकि काफ़ी पिछले समय में आप देख रहे हैं ये मूवमेंट भी चल रहा है और लगातार एक बहुत बड़ी मांग या झुंझुनू क्षेत्र की है कि झुंझुनू ने नहरू क्यों कौन जोड़ो जा रहे हो, लगातार बिगले सवाल भी उठे हैं, लेकिन जवाब और जो एक संतुष्टिपूर्ण जवाब है वो जनता ने कौन मिल पाओ। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अं कहे जा रहे हो कि 2025 तक जो एग्रीमेंट है, 2025 तक यदि नहर नहीं आओगी झुंझुनू तो पाकू नहीं आओगी। नहर को पानी ताजे वाला एड है और 300 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस का मतलब है सीधी दूरी, हवाई दूरी। पाइप लाइन बिछा के भी आसका है, नहर बना के भी आसका है, केवल वो पाइप लाइन बिछा के पर नहर लाने को जो को एक पॉलिटिकल एक जिम पावर होना चाहिए या इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बात जरूरी है, केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, बाद जगह दिन होगी तो एक चुटकी में नहर आ जाएगी, पूरा के लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी, लाइफ लाइन बदल जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि नहर आने के बाद में जो परिवर्तन आप देखा बिकले तो सौ बड़ो एग्जाम्पल अपने गंगानगर हनुमानगढ़ जो क्षेत्र ही नहर आणु कत्तों के परिवर्तन बाद जगह में हुए है। आज बठे जो बन अपने अनाज को भंडार बोलो जाए, बीके पीछे सौ बड़ी वजह यही कि बठे नहर है, ये वजह उन लोगों की बहुत शानदार पैदावार है। आज जो झुंझुनू के क्षेत्र की बात करी जाए तो मोस्टली क्षेत्र तो यो है कि जो डार्क जोन में आ चुके हैं और अब सिर्फ जो एक नदी काटली नदी जो भी एक जो बरसात का टाइम पर आवा है वह भी एकदम विलुप्त हो चुकी है, जो बजरी माफिया ही, जो भू माफिया ही, बाकी वजह अभी बीके ऊपर भी कुछ ही कौन बचे हुए है। थे एक चीज़ बोली कि मैं इकले क्यों प्रेरित हूँ, मैं आज वो चाहूँगा कि वो नाम आपने दर्शकन बताया जाए, वो नाम डिस्क्लोज करो जाए कि थे क्यों अतः प्रेरित हो, कि कठों या प्रेरणा मिली कि इस तरीकों जो समाज में क्षेत्र में आपने जो बदलाव लेना चाहिए, जो कमी ही बापर सुधार कुछ करो जाना चाहिए। नहीं, वो मैं हमेशा बच्चू हूँ भी चीज़ हूँ, एक आदमी है, एक इंसान है, कि मैं सच में मानूँ कि वो कोई दिलो ईमानदार आदमी है और वो आदमी है देश ने एक सही दिशा में ले जा सका है, मतलब बिन वो तरीकों पता तो रास्तों पता है कि रास्ते पर चल के देश आगे बढ़ सकता है। इंतजार क्यों है, क्योंकि वो इंतजार करो जा रहे हो, क्यों नहीं बने ये जो तैयारी करनी चाहिए और अगर देश लाग रहे हो कि गलत दिशा में तो फिर वो बदलाव करो जानो चाहिए, बता सही वक्त आने पर बता देंगे। दोस्तों आज भी यह चीज़ डिस्क्लोज को नहीं हो पाई है, लेकिन विभिन्न मुद्दा है वहाँ पर मैं जानकारी ली, बातचीत करी है विकास जी कि भाई आपको के पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं और जो देख रहे हैं कि सिर्फ रीट आंदोलन के बाद में विकास जी ने अपना कौन देख पाया, हर कोई यह चीज़ चाहो है कि विकास जी जो अब शायद वापस ज्वाइन कर ली है या फिर कठे ही विकास जी जो क्षेत्र में क्यों कौन दिखे, और बहुत सारे लोग तो यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि अब जी दौरान आंदोलन चल रहे हो तो क्योंकि राजनीति करना आए ही राजनीति करेंगे और फिर शायद कठे कोई सी पार्टी को टिकट लेके चुनाव लड़ेगा और जनता पर राज करेगा, लेकिन मैं दोबारा मिलो हूँ आज जो विभिन्न मूवमेंट है कि बिग मैन जय पहलवाना को आंदोलन हुए, चाहे जो आवाज़ सत्यपाल मलिक जी के द्वारा उठाई गई भी पर आप बातचीत करी है, किसान आंदोलन में जुड़ेड़ा का जो मूवमेंट ही बहु आप बातचीत करी है और एक सौ बड़ो जो कि आपके सार्वजनिक जो पर्सनल जीवन के बारे में ये आपका विचार रखे कि अन्य जो आपकी संपत्ति ही भी अन्य बेदखल कर दिया गया बी के पीछे की रीज़न रियो बी के बारे में भी मैं जानकारी ली, वीडियो के बारे में सारा जो भी विचार है जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, चैनल पर बने रहो, जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।